एक मर्तबा एक अंसारी का ऊंट बिगड़ गया था और वो किसी के काबू में नहीं आता था, बल्कि लोगों को काटने के लिए हमला किया करता था। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला किया। आपने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया तो लोगों ने आपको रोका कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट लोगों को दौड़कर कुत्ते की तरह काट खाता है। आपने शायद फरमाया कि मुझे इसका कोई खौफ नहीं। ये कहकर आप आगे बढ़े तो ऊँट ने आपके सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और आपको सजा किया। आपने उसके सर और गर्दन पर हाथ फेर दिया तो वो बिल्कुल ही नरम पड़ गया और फरमाबरदार हो गया, और आपने उसको पकड़कर उसके मालिक के हवाले कर दिया। फिर ये इरशाद फरमाया कि खुदा की हर मखलूक जानती है और मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन जिनों और इंसानों में से जो कुफार हैं वो मेरी नबूवत का इकरार नहीं करते। सहाबा कराम ने ऊँट को सजदा करते हुए देखकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसानों को तो सबसे पहले आपको सजदा करना चाहिए। ये सुनकर आपने फरमाया कि अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें।